जो दिल्ली के ऊपर थोपे हुए उपराज्यपाल महोदय विनय सक्सेना हैं, उन्होंने लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं की सीमा जो है पार करते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ऐसे ऐसे आंकड़े सामने ला रहे हैं जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पिछले 7 सालों से कहते हैं, और दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने उन्हें पत्र लिख के ये कहा कि आपके आंकड़े झूठे हैं और आप उपराज्यपाल होने के बावजूद अपनी ही दिल्ली की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का, जिसकी तारीफ हिंदुस्तान की हर राज्य सरकार करती रही है, विदेशों में जिसकी तारीफ हो रही है, 18 लाख बच्चों ने मेहनत करके इस मुकाम पे इस शिक्षा व्यवस्था को पहुंचाया है, करीब 60,000 शिक्षकों ने दिन रात मेहनत करके, मुझे लगता है कि आपके अगर परिवार में कोई शिक्षक हो या आपके पहचान में कोई शिक्षक हो तो वो शिक्षक या शिक्षिका बता सकती है कि पिछले 7-8 सालों में जितनी मेहनत शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने की है, उतनी या उससे ज़्यादा मेहनत दिल्ली के शिक्षकों ने, दिल्ली के प्रिंसिपल्स ने और दिल्ली के गरीब लोगों के बच्चों ने की है, तब जाके दिल्ली का शिक्षा का स्तर आज ऐसा आया है जिस पे हम सब लोग फख्र करते हैं। और एलजी महोदय झूठे आंकड़ों के साथ पत्र लिखकर अखबारों को दे रहे हैं, रात रात भर एलजी के ऑफिस से फोन किया जा रहा है कि फ्रंट पेज पे खबर छापी जाए, दिल्ली के 18 लाख बच्चों को बदनाम कर दिया जाए, 60,000 अध्यापकों को, जिसके अंदर अधिकांश अध्यापक गेस्ट टीचर हैं, उनको भूत कह दिया उन्होंने, घोस्ट टीचर हैं। अगर ये 60,000 गेस्ट टीचर्स घोस्ट हैं तो दिल्ली के बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? दिल्ली के बच्चों का जो शानदार रिजल्ट पिछले कुछ सालों से आ रहा है, क्या वो भूतों से आ रहा है? मुझे लगता है कि एलजी महोदय की इस तरीके की चिट्ठी बहुत ज़्यादा पूरी दिल्ली को शर्मसार करने वाली है। हम लोगों ने इस दिल्ली को सालों से संवारा है। कोई आदमी गुजरात से आता है, उसको एक राजनीतिक काम यहाँ पे दिया जाता है और अब उस आदमी को इतना हक दे दिया गया कि वो बड़े बड़े अखबारों के अंदर दिल्ली की बच्चों की मेहनत को बदनाम करने के लिए वो आदमी आमादा हो गया है। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत घटिया बात है। दिल्ली के वो 36 लाख पेरेंट्स जिनके बच्चे आज स्कूलों में पढ़ते हैं, वो हर स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाके देखते हैं स्कूल में क्या बदला, और एलजी साहब कह रहे हैं कुछ नहीं बदला, सब जो है खराब हो गया। और झूठे आंकड़े एलजी साहब की तरफ से दिए गए, जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने, और ये बड़ा चौंकाने वाला है कि एक शिक्षा मंत्री को अपने उपराज्यपाल को बताना पड़ रहा है कि आप झूठ लिख रहे हैं और आप झूठ छपवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने जो आंकड़े दिए वो गलत हैं। एलजी साहब ने कहा कि सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों की संख्या 16 लाख से घट के 15 लाख हो गई, जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2015-16 में, जब हमारी सरकार पहली बार बनी थी, तब उनकी संख्या 14,66,000 है थी 2015-16 में, फर्स्ट टाइम व्हेन वी फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो बढ़ के अब 18 लाख हो चुकी है।
और एलजी महोदय, बहुत शर्म की बात है कि एलजी महोदय खुद अपने हाथ से पत्र लिख के साइन कर रहे हैं और उसके अंदर झूठ ना सिर्फ लिख रहे हैं बल्कि अखबारों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि इसको पहले पन्ने पे छाप के इस झूठ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए।